जय श्री राम दोस्तों, अधिकांश लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ भगवान श्री राम से हारा था, लेकिन यह सत्य नहीं है दोस्तों। रावण श्री राम के अलावा शिव जी, राजा बलि और बाली और शस्त्र बहु से भी पराजित हो चुका था। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में कि रावण इन चारों से कब और कैसे हारा था। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुँच गया। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। तब रावण नहीं माना तो बाली ने उसने अपनी बाजू में दबाकर चार समुद्रों की परिक्रमा की। और बाली बहुत शक्तिशाली था, इतने तेज गति से चलता था कि रोज सुबह ही चारों समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में ही दबा कर रखा। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली के गिरफ्त से आजाद नहीं हो पाया। और पूजा के बाद रावण ने बाली को क्षमा मांगने पर छोड़ दिया। सहस्त्र भाव अर्जुन एक साथ हजार हाथ थे, और इसी वजह से उनका नाम सहस्त्र भाव पड़ा। जब रावण सहस्त्र भाव से युद्ध करने पहुंचा, तो सहस्त्र भाव ने अपनी हजार हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया। और सहस्त्र भाव ने नर्मदा नदी का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया, जिस रावण पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया। और इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्र भाव से युद्ध करने पहुँच गया, लेकिन दूसरी बार फिर सहस्त्र भाव ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। दोस्तों तीसरा है दैत्य राज बलि। पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया, और वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया, और इस प्रकार बलि के महल में भी रावण की हार हो गई। दोस्तों रावण बहुत शक्तिशाली तो था, और उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, और इस घमंड के नशे में शिवजी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। रावण ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे, और रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब शिवजी ने पैर के अंगूठे ही कैलाश का भार बढ़ा दिया, और बड़े वो भार के कारण वह कैलाश पर्वत को नहीं उठा पाया, और उसका हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण ने अपना हाथ वहां से निकाल नहीं सका। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्त्रोत्र रच दिया, और शिव इस स्त्रोत से बहुत प्रसन्न हुए, और उसने रावण को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के पश्चात रावण ने शिव जी को अपना गुरु बना दिया। दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।